आया हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग हैं। हेलो मैम, पवित्र रिश्ता सीजन 2 कब आ रहा है? अश्विक काम करो ना, मेरा काम का लाके दो ना, एयर ड्रॉप वहाँ पर उधर जाओ। अंदर रखा, अंदर इधर। हेलो, खूब सुंदर दिसता आहे तुम्ही, थैंक यू चंद्रिका शर्मा, आई लव यू टू अंकिता लोखंडे, आदित्य साहू, अर्चना मैम नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। सो आई एम वेटिंग फॉर थोड़ी से और लोग आ जाएं, फिर आई शुड डू द केक कटिंग और फिर करते हैं। एंकी मैम प्लीज कॉल माय नेम, सॉरी ऊपर ही चला गया। सार्थक, हाय सार्थक, यू लुक सो प्रिटी, थैंक यू। तन्मय खुटाल, दीदी तू खूब गोड़ दिसती है। अंकिता प्योर हैप्पीनेस, ओके हाय। आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी पीपल अराउंड मी जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और दिस इज द रीजन आई थॉट आई शुड कम लाइव टुनाइट। और पवित्र रिश्ता ही एक ऐसा शो है मेरी लाइफ में जिसने मुझे सब कुछ दिया है, जिसने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, जिसने मुझे आप लोगों से मिलाया है, एंड आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट कि मुझे शो मिला। और आज पवित्र रिश्ता को 12 साल हो गए हैं, विच इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी, विच इज़ वेरी इमोशनल फॉर यू ऑल ऑल्सो, आई एम वेरी श्योर। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आज सुबह से यू नो इट्स बीन रियली अपसेटिंग कि मैं इतने सारे वीडियोज़ देख रही हूँ जिसमें मेरी इतनी सारी यादें हैं, जिसमें सुशांत है, मैं हूँ, पूरा पवित्र रिश्ता है, सारे लोग हैं। और जब आप एक शो पर इतने टाइम तक काम करते हो, मैंने हमेशा से पवित्र रिश्ता को अपना पहला एक फर्स्ट बॉर्न समझा है, क्योंकि इसे मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने इस पर बहुत जी जान लगा के इस चीज़ को बनाया है। और जब एक अलग फीलिंग है उस इस शो के लिए, और आई थिंक मैं नहीं, जितना कास्ट है, जितना क्रू है, आई थिंक वी ऑल आर सो कनेक्टेड टू दिस शो कि सब बाकी जो है चीज़ें हट जाती हैं और सिर्फ पवित्र रिश्ता आ जाता है और हम लोग उसके लिए रहते हैं। आज भी पवित्र रिश्ता के जितने कास्ट है, हम लोग सब एक टीम की तरह हैं, आज फैमिली की तरह है, हम लोग सब साथ आज भी हैं, हम बात करते हैं, मिलते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फैमिली जो एकता मैम ने हम सबको दी है। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि एकता मैम ने मुझे एज अ अर्चना देखा, उन्होंने मुझे ये शो दिया। एकता मैम आई लव यू, यू नो दैट, एंड थैंक यू सो मच मुझे अर्चना बनाने के लिए। मैं अर्चना बनी हूँ आप लोगों की वजह से, जिसके लिए मैं सच में तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बस पवित्र रिश्ता से बहुत प्यार है और हमेशा रहेगा। आज 12 साल हो गए हैं हमारे पवित्र रिश्ता को, और बहुत चीज़ें हैं जो बोलनी चाहती हूँ, लेकिन यू नो यस, मैं कुछ यादें आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ पवित्र रिश्ता की। मेरा मुझे याद है जिस दिन 1 जून था, आई थिंक 2009, जिसमें पवित्र रिश्ता टेलीकास्ट हुआ था, मैं सुबह सुबह उठी थी, मेरा कुछ शूट था पवित्र का और मुझे जाना था, आई स्टिल रिमेम्बर। और मेरे पास एक छोटा सा टीवी था तभी, और मैं सुबह तैयार हो रही थी, 4:30 बजे की बात है, और मेरा मेकअप हेयर चल रहा था, और तभी प्रोमोज चालू हो गए थे पवित्र रिश्ता के, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और अपने प्रोमोज देखने के लिए, और मैं मम्मी के साथ तैयार, मेरी हेयर ड्रेस आई हुई थी और वो मुझे तैयार कर रही थी, और वो टीवी पर
अचानक से सुबह 4:30 बजे पवित्रिष्ठा का टेलीकास्ट चल रहा था और आई वॉज रियली शॉक, मोर देन शॉक, आई वॉज सरप्राइज कि अभी कैसे टेलीकास्ट है, क्योंकि रात को 9 बजे पवित्रिष्ठा का टेलीकास्ट होने वाला था, बट समहाउ सुबह 4:30 बजे था। तो जब मैं बाद में गई और जब मैंने बाद में वहां पूछा तो इट वॉज लाइक एकता मैम का कुछ मुहूर्त था, वो उस टाइम पर ही वो सुबह ब्रह्मकाल मुहूर्त में उनको वो टेलीकास्ट करना था गणपति पप्पा मोरिया करके, और एकता मैम ने किया। एंड आई थिंक इट हैज वर्क्ड फॉर ऑल ऑफ अस। पवित्रिष्ठा जब मैंने साइन किया था, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे लिए वो ऐसा कुछ बन जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा लाइफ का, एक बहुत अहम हिस्सा हो जाएगा। एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम वेरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। एंड इट हैज़ बिन अ वंडरफुल जर्नी, इट हैज़ बिन अ ब्रिलियंट जर्नी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई को स्टार्स, टू ऑल माई एक्टर्स। सुशांत आज हमारे बीच नहीं है और उसके बिना पवित्र रिश्ता डेफिनेटली अधूरा है, क्योंकि अर्चना का मानव सिर्फ वही था और उसके बिना बहुत इनकम्प्लीट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन आई एम श्योर वो जहाँ भी वो हमें देख रहा है और ही इज़ जस्ट यू नो ही इज़ हैप्पी वेर एवर ही इज़। एंड आई एम और भी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे सुशांत के बारे में बताना चाहती हूँ, पवित्र रिश्ता की जो मानव है जो है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उसने हमेशा मुझे एक्टिंग सिखाई, मैं बिल्कुल एक्टर नहीं थी, और ही वॉज़ द वन हु यूज़ टू टीच मी वॉट इज़ एक्ट, क्योंकि मैं बहुत ही जूनियर थी और वो बहुत सीनियर थे, तो वो हमेशा मुझे सिखाते थे। ही वॉज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट कोस्टा, एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ हिम। देन हितेन केम एज मानव, हितेन बहुत सीनियर एक्टर है ऑब्वियसली, और हितेन के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई मीन उनकी मस्ती सेट पर बहुत सारी होती थी और बहुत अच्छा लगता था। उषा नाटकर्णी जी जो मेरी सांस बनी है, आई थिंक शी हैज़ बिन अमेजिंग मदर इन लॉ टू मी, एंड वो सच में मेरी मदर इन लॉ लगती थी मुझे, क्योंकि वो हमेशा डांटती रहती थी, चप्पल मत पहनो सेट पे, ये मत करो, वो मत करो, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। फिर सविता प्रभु ने जो मेरी आई बनती थी, वो आज भी मेरी आई हैं, और उनसे जो जब वो मेरे लिए लड़ती थी, एक्चुअली जब पवित्र के आपने सीन्स देखे होंगे, जब शी यूज़ टू फाइट फॉर मी, मुझे लगता था मेरी माँ मेरे लिए लड़ रही है, एंड शी हैज़ ऑलवेज गिवन मी दैट वॉर्म्थ कि तू मेरी बेटी है। एंड टिल टुडे वी हैव दैट रिलेशनशिप विद उषा आई ऑल्सो एंड विद सविता आई ऑल्सो। सो आई एम वेरी, आई हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद यू नो सच ब्रिलियंट एक्टर्स। आई मीन मराठी जगत के, मराठी सिनेमाज और सीरियल्स के वो बड़े बड़े नामी कलाकार हैं, और उनसे जो मैंने सीखा है वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे एक्टर्स आए, बहुत सारे नए लोग, जनरेशन्स, बहुत सारी अर्चना ने जनरेशन्स देखी है, यू नो, और 6 साल एक शो पर काम करना ऑटोमेटिक एक परिवार हो जाता है, और फ्रॉम माय स्पॉट दादा टू माय मेकअप दादा टू एवरीवन, यू नो, वो मेरा परिवार हमेशा से था और आज भी है। आज भी मेरे राम दादा हैं, राजू दादा हैं, बशीर दादा हैं, जिन्होंने इतने साल मेरे साथ काम किया है, आज भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं। और इतने सारे डायरेक्टर्स रहे हमारे, कुशल सर जो कि मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, मुजम्मिल सर हमारे डायरेक्टर रहे, सुहास दादा जो DOP थे, राजन दादा DOP थे, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट एक्टर्स जिनके नए जनरेशन जब आया, जब ऋत्विक आशा आए, मृणालिनी त्यागी, ओवी, श्रुति कन्वर, आई एम सो सॉरी श्रुति कन्वर, और इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। फिर एक नया लॉट आया जिसमें मैं कनेक्ट हुई वापस से, जिसमें थे अपर्णा, करण, और मीनल थी जो कि मनीष था, और बहुत लोग थे। तो आई थिंक आई हैव सीन, एक्चुअली अगर मैं कुछ नींद में से भी उठ के अर्चना की जर्नी बतानी हो तो आई कैन टेल यू, आई कैन जस्ट बी अर्चना इन अ वन स्विच, यू नो, मुझे ऐसा लगता है, जैसी फीलिंग है कि अर्चना से मैं इतना कनेक्ट कर पाती हूँ। और उसके ऊपर से आप सब लोगों का इतना सारा प्यार, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत नसीब से ऐसा प्यार मिलता है, और मैं उस नसीब, मतलब मैं हूँ उतनी नसीब वाली कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये केक जो है ये मेरे फैंस ने मेरे लिए भेजी है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे कट करने का भी मन नहीं कर रहा है, बट मैं सबके बिहाफ पे ये केक कट करना चाहूँगी,
और मेरे जितने फैंस हैं, जितने सुशांत के फैंस हैं, मानव के और अर्चना के और पूरे पवित्र रिश्ता के, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना सारा क्या बोलते हैं उसे एक शायद आपके प्यार की वजह से आज सब कुछ है, मेरा घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास अपने लोगों की मैं सारी चीज़ें पूरी कर सकती हूँ, नो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर आप लोग प्यार नहीं देते पवित्र रिश्ता को तो शायद शो नहीं चलता, और आपके बिना हम सब अधूरे हैं, आपका प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सो रियली थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। और इतने सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब केक काटते हैं और आप लोग सब बोलिए हैप्पी बर्थडे पवित्र रिश्ता, हैप्पी बर्थडे टू यू पवित्र रिश्ता, एंड दिस इज अर्चना, अ वेरी स्वीट अर्चना जिसके लिए लड़का ढूंढना है, ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ये एक पीस मेरे फैंस के लिए जिन्होंने बहुत प्यारी केक भेजी है, सो हैप्पी बर्थडे गाइज, आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून, थैंक यू।